नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। क्या लड़के लड़कियों का साथ में पढ़ना खतरनाक है? अगर है तो इस खतरे की बुनियाद क्या है? देश और दुनिया भर के सभी बड़े स्कूल कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते भी हैं और कामयाबी की ओर बढ़ते भी हैं, लेकिन इस सब के बीच कट्टरपंथी सोच वाले लोगों को ये सह शिक्षा खतरा नजर आता है। केरल, जो शिक्षा के मामले में देश का नंबर वन राज्य है, वहां के एक मुस्लिम नेता ने दावा किया है कि स्कूलों में लड़के लड़कियों का एक साथ बैठना खतरनाक है। उनका ये बयान विवादों के घेरे में आ गया है। बता दें कि ये बयान केरल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML के महासचिव प्रभारी PMA सलाम ने दिया है। उनका कहना है कि लड़कों और लड़कियों को स्कूल की कक्षाओं में एक साथ बैठने की अनुमति देना खतरनाक है। केरल के नेता का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार अपने यहाँ लिंग तटस्थ शिक्षा प्रणाली शुरू करने का प्रयास कर रही है। लिंग तटस्थ यानी कि जेंडर न्यूट्रलिटी एक ऐसा विचार है जहां लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। सलाम ने केरल सरकार की लिंग तटस्थ नीति का विरोध करते हुए कहा है, ये खतरनाक है। लड़कियों और लड़कों को कक्षाओं में एक साथ बैठने की क्या आवश्यकता है? आप उन्हें क्यों मजबूर कर रहे हैं या ऐसे अवसर ही क्यों पैदा कर रहे हैं? इससे केवल समस्याएं ही होंगी, छात्र पढ़ाई से विचलित हो जाएंगे। लैंगिक तटस्थता एक धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि एक नैतिक मुद्दा है। सरकार छात्रों पर लिंग तटस्थ यूनिफॉर्म थोपने की कोशिश कर रही है। लैंगिक तटस्थता छात्रों को गुमराह करेगी। छात्रों को पढ़ाई के प्रति जागरूक बनाने के लिए अलग अलग बैठाकर पढ़ाई करानी चाहिए। इससे ही लड़के और लड़कियां अन्य मुद्दों की जगह अपने काम पर ध्यान दे सकेंगे। हम सरकार से इसे वापस लेने के लिए कहेंगे। सलाम साहब इस बयान को देते समय शायद ये भूल गए कि वो किस देश में रह रहे हैं और किस सदी में जी रहे हैं, और ऐसी मानसिकता सिर्फ इनकी ही नहीं है, देश में कई कट्टरपंथियों की है जो ये चाहते हैं कि लड़के लड़कियों का स्कूल अलग अलग होना चाहिए। कुछ कट्टरपंथियों का बस चले तो वो लड़कियों के पैरों में बेड़ियां बांधते। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी भी इसी छोटी सोच के शिकार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मदनी का कहना है कि लड़के लड़कियों की पढ़ाई अलग अलग होनी चाहिए। उनके मुताबिक अनैतिक आचरण से दूर रहने के लिए सह शिक्षा को खत्म किया जाना जरूरी है। मदनी ने गैर मुस्लिमों से भी इस बात की अपील की थी कि वो सह शिक्षा से परहेज करें। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहकर तालिबानी सोच रखते हैं। ऐसी सोच रखने वालों से एक सवाल है कि क्या भारत को तालिबान बनाना चाहते हैं? आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस खबर में इतना ही, बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम।